सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ आप, आप मीडिया पर्सनस का भी क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है तो म, उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी हमारे दर्द को समझ पा रही थी हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है उन वो लड़ाई लड़ने के तैयार है सड़क से लेकर संसद तक और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द जो तकलीफ हमने झेली है खासकर महिलाओं के लिए हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार अपने आप को बेबस समझती है हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे नहीं जाना चाहते मैंने ट्रायल्स भी दिया उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते मैं ओलंपिक्स में गई मैं फाइनल्स में गई अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है किसी भी मुसीबत में किसी भी पल किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका